छत्तीसगढ़ में एक नंबर से धान की खरीदी हो रही है, लेकिन इसी बीच मौसम ने करवट ली है। बदलते मौसम के साथ मौसम वैज्ञानिक ने बारिश की आशंका जताई है, जिसके चलते जिले के कलेक्टरों ने धान खरीदी केंद्रों पर धान के बेहतर रखरखाव करने को कहा है। प्रदेश में इस समय समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जा रही है। इसी बीच खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने मंदिर हरसोद के धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया और धान के रखरखाव को लेकर जरूरी निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि धान को बारिश से बचाने के लिए उपार्जन केंद्रों में कैंप कवर, ड्रेनेज सहित सभी जरूरी इंतजाम किए गए। परिवहन कुछ हुआ है? कितना हुआ है? 2300 क्विंटल। 2500 में 23? 5000 क्विंटल में 2300 हुआ। और डीओ और कटर कर दिया। अच्छा, गाड़ी लगा सर, 2000 छपने का क्या व्यवस्था है? सब सर, इसको लगवा भाई, है ना आपके पास? था बोले सर, ये अभी क्या खरीदी कर रहे हैं तो उसको खोल दिए, फिर गौरतलब है कि इस विधानसभा चुनाव में पार्टियां धान खरीद के जरिए वोटर्स को रिझाने में जुटी हैं, जिसको लेकर कई तरह के लुभाने वादे भी किए गए। यही कारण है कि धान के रखरखाव को लेकर मंत्री जी को धरातल पर उतरना पड़ा। रायपुर से पंजाब के सूटी टीवी के लिए सत्येंद्र शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।